Hello student, again welcome to UPSC Beginner. Today we are going to start new lesson number 7, Motion and Measurement of Distances. In this session, we are going to cover all these points mentioned here. Okay, circular motion, distance, measurement, motion, periodic motion, rectilinear motion, SI unit, unit of measurement. So let's start our today's session. Starting from story of transport. Here you can see the modes of transport and means of transport. How can transport be done in simpler way? So story of transport. You have already transferred many times in various places, so you can choose any of those transportation mode. The story of transport mainly focus on which point of कह सकते हैं कि आप transport के ऊपर focus कर रहे हो. Transport का मतलब होता है, माना कि ये point A है और ये है पॉइंट बी. आपको इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है. कैसे जाएंगे और किस प्रकार से जाना संभव होगा वो अगली बात है, लेकिन पहले देखेंगे कि ये ए से बी जाना, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन? स्थानांतरण. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर स्थान से किसी अन्य स्थान पर गमन करना या फिर जाना, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, देर आर मेनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लाइक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर लिख सकते हैं आप वॉक, चल के जाना, बाय बुलक, आप कार्ट से जाना, ठीक है ना, साइकिल से जाना या फिर बस से जाना, कार से जाना, रेलवे से जाना. देन फ्लाइट से जाना, एरोप्लेन से, ओके, शिप से जाना, और क्या पता आपको मंगल पे जाना हो, मंगल ग्रह पे, तो आपको उसके अंदर रॉकेट की भी जरूरत पड़ सकती है कि हाँ रॉकेट के अंदर बैठ के जाएंगे. तो दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के आप ट्रांसपोर्ट तो कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, लेकिन किसके थ्रू कर रहे हैं, किस माध्यम के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है ना. आप सल्के कर रहे हो, बुलक से कर रहे हो, या फिर साइकिल से कर रहे हो, बस से कर रहे हो, कार से कर रहे हो, रेलवे से कर रहे हो, ठीक है ना. तो दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, नेक्स्ट मूव टू इन्वेंशन ऑफ व्हील्स. सर, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपने बताया कि जो ये जो वॉक है इसको छोड़कर आप देख सकते हैं इसके अंदर लगभग ये जो रॉकेट और शिप और फ्लाइट को आप छोड़ दो, इन सब में क्या है, इसके अंदर व्हील्स का यूज हुआ है, ठीक है. तो व्हील्स का इन्वेंशन कैसे हुआ? देखो, व्हील्स का इन्वेंशन 19 सेंचुरी से लगभग माना जाता है व्हील्स का इन्वेंशन, ठीक है. 19 सेंचुरी मतलब 1800 के स्टार्टिंग में व्हील्स का इन्वेंशन हो चुका था. तो व्हील का इन्वेंशन होने के बाद में क्या है, उसके अंदर निरंतर उसकी बिल्ड क्वालिटी के अंदर काफ़ी डिफरेंस आता रहा. उसकी बिल्ड क्वालिटी दिन प्रतिदिन अच्छी क्वालिटी की बनती गई, ठीक है. तो अब जाके वो व्हील है वो काफ़ी बेटर कंडीशन में यूजफुल हो रहे हैं, ठीक है ना. So these are the invention, mode of transportation and transport. How wide is this box? ये तो हो गया mode of transportation. ये किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं? Motion and measurement. क्यों motion और measurement कैसे important है? देखिए, chapter है पूरा का पूरा motion और measurement of distances. Motion क्या? अब motion क्या होता है? पहले motion आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा.
मोशन मैं यही समझा देता हूँ, पहले मोशन समझा देता हूँ मैं आपको। जो ट्रांसपोर्टेशन मैंने लिखा है, ठीक है, समझा है आपके बारे में, तो मोशन क्या होता है? मोशन इज द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम टूवर्ड्स पॉइंट बी, मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो मोशन इज समथिंग मूवमेंट, किसी भी प्रकार का मूवमेंट मोशन कहलाता है। लेकिन जो कंसिडर किया जाता है, जैसे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाना, ठीक है ना, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी प्रकार का मोशन। जैसे कि आप, हम पहले भी कल भी देख चुके हैं कि एनिमल्स के अंदर मोशन होता है, प्लांट के अंदर भी मोशन पाया जाता है, और मोशन क्या, मूवमेंट पाया जाता है, ठीक है ना। तो मूवमेंट इज द टाइप ऑफ मोशन, या फिर कह सकते हैं मूवमेंट इज एक्चुअली ए मोशन। देन अगेन रिटर्न टू आवर, हाउ वाइड इज दिस डेस्क, हमें क्या इस डेस्क को मेजरमेंट करना है, कि ये जो डेस्क है, डायग्राम के अंदर आप देख चुके, देख सकते हैं आप, ये जो डेस्क है इसको आपको मेजर करना है, आपको ये इसकी चौड़ाई को मापना है, ब्रेथ को मापना है, ठीक है। ब्रेथ को मापने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक स्केल या फिर किसी मेजरमेंट यंत्र या फिर यूनिट, इसके अंदर मापने के लिए क्या, एक तो आपको इक्विपमेंट चाहिए, प्लस यूनिट चाहिए, ओके। तो हमारे पास मापने के लिए क्या है, अब बूजू भैया ने क्या ले लिया है, बूजू ने ले लिया है गिल्ली और डंडा से वो माप रहा है, ठीक है। तो कभी उसका मेजरमेंट अच्छे से आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उस किस यूनिट में प्रेजेंट करेगा, जैसे कि दो गिल्ली डंडों के बराबर, दो गिल्लियों के बराबर और दो डंडों के बराबर टोटल मेज की चौड़ाई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें इक्विपमेंट की जरूरत होती है, जैसे कि बूजो ने गिल्ली और डंडा इक्विपमेंट के रूप में यूज किया है। दूसरी बात है कि अपनी यूनिट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बूजो ने कहा है कि ये जो मेजरमेंट है ब्रेथ का, ये दो गिल्लियों के बराबर और दो डंडों के बराबर है। तो मेजरमेंट एक्चुअल में होता क्या है, देखते हैं कि सर ये जो वाइट डेस्क है, मतलब इसकी जो चौड़ाई माप रहे हैं, तो लेकिन क्या होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट एक्चुअली एक कह सकते हैं कि आप, जैसे कि कोई पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का पता करना ही मेजरमेंट है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एक डिस्टेंस ही है, मेजरमेंट किस पर बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस का माप करना, या फिर उसको मेजर करना मेजरमेंट कहलाता है, और वेट को, वेट को भी मेजर करते हैं, ठीक है ना। बहुत प्रकार के, जैसे कि टेम्परेचर, तो दीज आर द, मैं अलग अलग प्रकार की कह सकते हैं कि आप डिस्टेंस है, वेट है, टेम्परेचर है, अलग अलग रेफरेंस के अंदर हम मेजरमेंट का अलग अलग यूज करते हैं। डिस्टेंस जब मापेंगे तो इसको मीटर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस या फिर लेंथ। और वेट को आप मेजर करेंगे तो वे को किसके अंदर मेजर करेंगे, किलोग्राम को, किला या फिर ग्राम के अंदर, तो ग्राम इज द यूनिट ऑफ वे। टेम्परेचर को कैलविन के अंदर। तो दीज आर द मेजरमेंट एंड देयर यूनिट, यूज ऑफ स्केल। अब ये क्या है कि आपने अगर ये जो गिल्ली डंडा, ठीक है, गिल्ली प्लस डंडा, जो ने ये गिल्ली और डंडा का यूज किया है उस मेज की ब्रेथ को मापने के लिए, तो क्या गिल्ली डंडा का सार्वत्रिक रूप से यूज पॉसिबल है, कर सकते क्या, क्या गिल्ली और डंडा की क्या चौड़ाई और ऊंचाई या फिर उसकी लंबाई क्या सेम होती है, ठीक है, एल ई एन टी, क्या
क्या सेम है इनकी? नो, ये वेरीज करती है कि एकोडिंग किस मटेरियल से बनती है या फिर किसने बनाया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सब समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्केल का यूज। अब स्केल का यूज, स्केल क्या है? स्केल इज द फिक्स्ड डिस्टेंस इक्विपमेंट, ठीक है ना। इसके अंदर कोई फिक्स नहीं था, लेकिन स्केल के अंदर फिक्स होता है कि हाँ एक सेंटीमीटर यहां भी है तो आप कहीं मून पे ले जाएंगे या फिर कहीं यूरोप के अंदर ले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ले जाएंगे, तो वो स्केल एक ही सेंटीमीटर की मिलेगी हर जगह, ठीक है ना। लेकिन गिली एंड डंडा कैन बी चेंजेबल वेरिएबल ऑन प्लेस टू और एज ए, जैसे कि बच्चों के लिए गिली डंडा बनाया तो वो कंपेरिजन में छोटा बन सकता है, बड़ों के लिए बड़ा बन सकता है। सब मेजरमेंट आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहले मेजरमेंट होते थे, ठीक है। अब ये यूनिट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको यूनिट। अब यूनिट क्या है? रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट। कैसे? सब मेजरमेंट के अंदर आप देखो कि मेजरमेंट हमने देख चुके हैं कि हाइट का कह सकते हो, लेंथ का कह सकते हो, वेट का कह सकते हो, हो गया मेजरमेंट आपने कर लिया। दीज द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। देन अब हाइट को किस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाइट का एक सेंटीमीटर लेके, दो या फिर एक सेंटीमीटर इसको लेके, वेट क्या एक सेंटीमीटर लग सकते हैं? प्रेजेंटेशन किसके अंदर? मेजरमेंट का प्रेजेंटेशन एक सेंटीमीटर में कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेट है, इसको एक ग्राम के अंदर प्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से यूनिट क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना। तो अलग अलग मेजरमेंट की अलग अलग यूनिट होती है, जैसे कि मैं आपको जो कॉमन है, 6-7 कॉमन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेंथ इज इक्वल टू मीटर के अंदर मापते लेंथ को, वेट को इसको मापते हैं किलोग्राम के अंदर, सॉरी ग्राम के अंदर, ठीक है ना। टेम्परेचर केल्विन के अंदर, और जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी उसको मापते हैं एम्पियर में। लेंथ हो गया, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और समार अदर्स लाइक प्रेशर, प्रेशर को मापते हैं पास्कल में, ठीक है। एक और होता है वो ध्वनि तीव्रता कह सकते हैं, या फिर उसको ध्वनि तीव्रता ही होता है। उसका जो मात्रक है मुझे कंफर्म याद नहीं, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, इस पार्ट के अंदर या फिर लेसन के अंदर नहीं है, तो मोस्टली ये आपको ध्यान में रखने, ये समझने वाली बात है कि यूनिट का मतलब यूनिट कौन कौन सी अलग अलग प्रकार से किस संदर्भ में यूज की जाती है देख सकते हो आप, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपने देखा कि क्या पता कि गिली डंडा कभी कभार यूज कर रहे हैं लेंथ को मापने के लिए, वेट को मापने के लिए कभी कंकड़ पत्थरों का यूज किया जा रहा है, लेकिन क्या पता उनका वेट है या फिर उनकी लेंथ वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू प्लेस। तो हमें क्या मिलती है? एक जरूरत पड़ती है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, एक स्टैंडर्ड यूनिट बने, जिससे कि हम पहले क्या है, पहले अंगूल से मापते थे, मुट्ठी से मापते थे, लेकिन क्या पता एक बच्चे की अंगूल छोटी है, बड़े की अंगूल या फिर अंगुली उसकी फिंगर बड़ी है, तो इस प्रकार से ये जो
फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं कह सकते। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जब आप किसी भी वर्ल्ड वाइड आप लेके जाएंगे तो उसका जो मेजरमेंट है वो फिक्स निकलेगा। तो इसके लिए जैसे कि आप कह सकते स्केल, ठीक है, 1790 के अंदर फ्रेंच के अंदर मैट्रिक सिस्टम का इन्वेंशन हुआ। उसके थ्रू क्या हुआ, उसके थ्रू एक सिस्टम निकाला गया। क्या सिस्टम निकाला गया, ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड कह सकते हैं, यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब है कि ऐसे यूनिट जिसका इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं उसको ऐसा यूनिट के रूप में देखा जाएगा। अब मैट्रिक सिस्टम के अंदर क्या है, मैट्रिक सिस्टम के अंदर मैं बता देता हूँ कि उस जैसे कि आपने स्केल का आविष्कार कर लिया, ठीक है ना, तो स्केल को मैट्रिक सिस्टम के अंदर आप कन्वर्ट करो। कैसे, कि भाई एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, एक मीटर इज इक्वल टू लेंथ होती है, लेंथ की मैंने ऐसे यूनिट या फिर यूनिट बताई थी मीटर। सर मीटर, वन मीटर इज इक्वल टू, वन मीटर इज इक्वल टू, जस्ट ए सेकेंड, वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर या मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, ये हुआ सेंटीमीटर, ये हुआ मिलीमीटर। अगर इसी प्रकार कहेंगे कि सर ये तो कुछ है भी नहीं, मीटर तो मापने की क्या ही दूरी है, आप अगर 50 किलोमीटर को मापना है तो मीटर में तो 50,000 हो जाएगा, तो इससे बड़ी क्या यूनिट है 1 किलोमीटर, उसके अंदर क्या है 1000 मीटर आते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम के अंदर आप उन्हें एक मेजर बना दिया कि हाँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लेना है आपको, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर आपको लेना है, ठीक है। देन चलते हैं आप नेक्स्ट, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। आप लेंथ का मेजरमेंट करेक्ट कैसे करेंगे, देखो पहले गिल्ली डंडा से कर रहे थे आप, क्या पता एक गिल्ली डंडा छोटा हो एक बड़ा हो, ठीक है, क्या पता आपने मेजरमेंट किया है, जैसे कि ये जो यहां से एक मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है, एक जो स्केल है उसको आपने टेढ़ा पकड़ा हुआ है, ठीक है, और स्केल की जगह ये थोड़ी सी दूर पकड़ी हुई थी स्केल, और ये इस साइड पकड़ी हुई है, तो एक्चुअल में मेजरमेंट कैसे करना है, जैसे कि ये कोई बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स का अगर मेजरमेंट करना होगा तो कैसे कर पाएंगे बताओ, इस बॉक्स का मेजरमेंट कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है कि आपको स्केल को यहां एकदम पॉइंट टू पॉइंट पकड़ के इसका मेजरमेंट करना चाहिए, जैसे कि ये 40 सेंटीमीटर। तो ये होता है करेक्ट मेजरमेंट, जिसके अंदर आपको एक पॉइंट से पॉइंट लगा के आपको बारीकी से मेजरमेंट करना है, ठीक है ना, ना इधर होना चाहिए लेफ्ट साइड में ज्यादा, ना राइट साइड में ज्यादा होना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ हाइट, अब हाइट का मेजरमेंट कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ एक आपने आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर 3 दोस्त है, तो तीनों दोस्त एक स्केल को देख रहे हैं, स्केल को देखने के बाद पता चलता है कि जो ये फर्स्ट वाला कहता है कि हाँ नहीं भाई यहाँ होना चाहिए, ए वाला कहता है कि नहीं 8 पे होना चाहिए, बी वाला कहता है 6 पे होना चाहिए, जो भी ये 20 में, तो जो बी वाला का मेजरमेंट वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल में सही मेजरमेंट। अब हाइट का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो वही, अब आप लेंथ का मेजरमेंट इस प्रकार से कर रहे थे तो हाइट का मेजरमेंट इस प्रकार से कर लो, नो प्रॉब्लम। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, अगर आपको ये लाइन है, ठीक है, इसका मेजरमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसका मेजरमेंट आपको करने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन, आप इसको या तो बना लो, या तो स्ट्रेट लाइन बना लो, या फिर स्केल को
छोटे छोटे पोर्शन के अंदर विभाजित करनी पड़ेगी, ताकि क्या है, या फिर इसके ऐसे छोटी छोटी रखो ताकि उसका मेजरमेंट अच्छे से हो। मेन तो मेथड ये है कि आप इसका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्जन कर दो ताकि अच्छे से मेजरमेंट हो सके। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, अब देखते हैं कि जो मेजरमेंट तो हो गया कि हाँ भाई इतनी पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में 40 सेंटीमीटर की दूरी है या फिर 40 मीटर की दूरी है। ओके नो प्रॉब्लम, डिस्टेंस होगी कंफर्म, मेजरमेंट अपने कर लिया। देखो ऐसा यूनिट आप एक बार ध्यान रखना, ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये है ऐसा यूनिट जो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। अब चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ हाइट हो गया। मूविंग थिंग्स अराउंड अस क्या बोलता है कि जो कोई एक थिंग्स है, माना कि ये कोई थिंग्स है, ये अपने आसपास कैसे मूव करती है, मूवमेंट कैसे करती है। अगर मूवमेंट करेगी तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मोशन का गुण आएगा, ठीक है, मोशन की प्रॉपर्टी होगी। थिंग्स अपने आसपास दो प्रकार से हो सकती है, एक तो आप स्टेबल कह सकते हो और दूसरी मूवेबल कह सकते हो। टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, स्टेबल एंड मूवेबल। तो स्टेबल कौन कौन सी है, मूवेबल कौन कौन सी, आप देख सकते हैं। एक जस्ट ए सेकेंड, आप ग्राफ देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट इट रेस्ट, आपका घर रेस्ट में है, टेबल स्टेबल है, क्लॉक भी स्टेबल है, लेकिन कोई पक्षी उड़ रहा है तो वो क्या, मोशन के अंदर, गति के अंदर है, ठीक है। जो बड़ी सुई होती है घड़ी की, वो भी मोशन में, मोशन ऑफ एन एंट। ये जो चींटियों की गति आप भी देख सकते हैं, ये भी एक मोशन का प्रकार है। ओके मोशन हो गया, मोशन इज द कह सकते हैं इज ए एक्टिविटी, उसके अंतर्गत क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्थान परिवर्तन कह सकते हैं, या फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाना, या फिर हिलना डुलना, कुछ भी हो सकता है, दिस आर द मोशन, ठीक है। मोशन सीम टू बी सम काइंड ऑफ ए चेंज इन द पोजिशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, देख सकते हैं ये डेफिनेशन है मोशन की। एग्जैक्ट आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो ये रही, मोशन सीम टू बी द सम काइंड ऑफ ए चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ देम। अब कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था और पॉइंट बी पे चला गया, ठीक है, ये तो इस पोजिशन में चेंज हो गई कि हाँ भाई उसका पोजीशन चेंज हो गई, तो ये पोजीशन में चेंज है, यही मोशन है। अब मोशन किस कितने प्रकार की होती, ये जो फर्स्ट टाइप लिखा हुआ है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन के अंदर, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन के अंदर मोशन होना, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि एग्जाम्पल मूविंग कार, ठीक है, कार की गति हो रही है, ठीक है, या फिर कुछ और भी देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि आप सैनिक टुकड़ी देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन में परेड कर रहे हैं। ये तो हुआ एक रेक्टिलिनियर मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करना। अब होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर क्या है, जिस पॉइंट से आपने मोशन या फिर गति को स्टार्ट की, उसी पॉइंट पे किसी समय आप वापस आएंगे, ठीक है, एक पूरा राउंड लगा के उसी टाइम समय पर वापस आएंगे। जैसे कि आपने एक ये जो रहट का आप एग्जांपल देख सकते हैं, रहट, इसके अंदर क्या है, ये जो बैल है, बैल राउंड 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 घूम के वापस यही आएगा, फिर अगेन राउंड राउंड, मतलब जो ये मोशन होगी एक सर्कुलर पॉइंट के, एक पॉइंट के भीतर होगी, नहीं पॉइंट के चारों ओर होगी, सर्कुलर पॉइंट के चारों ओर मोशन होने वाली है। तो देख सकते हैं एक पॉइंट के चारों ओर हो रही है। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं ये डायरेक्शन क्लॉक की, या फिर आप देख सकते हैं एक फैन की, तो फैन के अंदर एक मोटर होती है, मान लो उसको सर्कुलर पॉइंट मान लो, ठीक है, जो फैन है उसकी जो मोशन ऑफ पॉइंट, जस्ट सेकंड, देख सकते हैं फैन के जो ब्लेड है,
ब्लेड, फैन की ब्लेड है, ठीक है, माना कि ये ब्लेड है, तो ये क्या करेंगे, मोशन स्टार्ट करेंगे, तो जहां से मोशन स्टार्ट की वहां कहीं बाहर आएंगे, ठीक है ना, एक बार नहीं कई बार आएंगे, लेकिन वो आते जरूर है, ठीक है। तो इस दिस स्टेप्स इज द मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन। देन पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन के अंदर क्या होता है कि कोई माना कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसके चारों तरफ तो नहीं घूमता, वो क्या करता है उसके चारों तरफ नहीं घूमता है, लेकिन क्या करता है उसको फॉलो जरूर करता है। जैसे कि ये जो सर्कुलर पॉइंट है बना हुआ है, ठीक है, ये उसको फॉलो करता है, कैसे देख सकते हैं आप, कोई ऑब्जेक्ट है कभी यहां आता है कभी यहां आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कैसे, ये झूला देख लो, या फिर ये जो वॉच का पेंडुलम देख सकते हैं, ये घंटी देख सकते हो, ये जो तबला होता है या फिर ढोलक होता है उसकी जो बाहरी एक स्किन कह सकते हो वो देख लो, वो क्या करेगी एक पॉइंट के चारों ओर मोशन करेगी। ये जो मान लो एक पॉइंट है, इसको यहां मान लो आप, ये पॉइंट यहां पे, तो इसका मोशन जो लेंथ है माना कि यहां 5 सेंटीमीटर है, तो इस साइड भी 5 सेंटीमीटर होने वाली है, कैसे। अब झूले को देख लो, झूला ये जो ये पॉइंट एक मान लो, तो झूले की इस साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी तो उस साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो दिस इज द टाइप ऑफ मोशन इज पीरियोडिक मोशन। तो रिपीटेशन ऑफ मोशन, इसके अंदर क्या है रिपीटेशन होता है, एक ही पॉइंट के आसपास रिपीटेशन के। अब पीरियोडिक मोशन के अंदर पेंडुलम का उदाहरण आप देख सकते हैं, एक आपने देखा होगा स्विंग मशीन, लगभग हर घर के अंदर होती है स्विंग मशीन, उसके अंदर आपको दो प्रकार की मोशन देखने को मिलेगी, कैसे, एक लगा होता है राउंड प्रकार का सर्कल टाइप, ठीक है, और वो घूमता रहता है, वो तो हो गई सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, लेकिन उसके अंदर एक नीडल लगी होती है, ये मान लो कोई नीडल है उसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। ये नीडल है, तो नीडल क्या करेगी, अप एंड डाउन, अप जाएगी डाउन आएगी, ये एक पॉइंट के अकॉर्डिंग वो मोशन करती है, इसको बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन। ओके, नेक्स्ट मूव टू हो गए, लेसन इज कंप्लीटेड, दीज आर द कई फॉर्म। सर्कुलर मोशन हमने पढ़ लिया, डिस्टेंस क्या होता है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पॉइंट ए से लगा के पॉइंट बी के बीच में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मेजरमेंट प्राप्त होता है वही डिस्टेंस होती है। मेजरमेंट क्या है, एक कह सकते हैं प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस वी कैन मेजर एनी थिंग्स। ओके, तो ये प्रोसेस है मेजरमेंट करने का या फिर मापने का, मोशन द मोमेंट या चेंज इन पोजिशन ऑफ एनी थिंग्स। पीरियोडिक मोशन क्या होता है ऑलरेडी देख सकते हैं, एक पॉइंट के सर्कुलर रेफरेंस में आप बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं मोशन का, ठीक है। रेक्टिलिनियर देख सकते हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड के अंदर मोशन। SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट देख चुके हैं, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की यूनिट हमने देखी थी कि लेंथ की क्या होती है, लेंथ की मीटर है, वेट की क्या है, वेट की ग्राम है, इस प्रकार से। तो लेसन इज कंप्लीटेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको अच्छा लगा है देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।